कहते हैं कि बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए और तीसरा खोप खाए मर जाए। हाँ भाई, मैं उन्हीं राजपूत योद्धा आला और उदल की बात कर रहा हूं। ये इतने पराक्रमी थे, पूरे भारत में, भारत के एक एक कोने में इनकी गाथाएं गाई जाती हैं। ये इतने पराक्रमी योद्धा थे जो कहते थे, तन जमीन, जमीन का एक टुकड़ा किसी को नहीं देंगे, चाहे जान चली जाए। इनका जन्म 1140 ईस्वी में महोबा में हुआ था। इनमें आला बड़े थे और उदल छोटे थे। उस समय चंदेल के राजा थे परमल और उनके सेनापति थे दसराज। उन्हीं के पुत्र थे ये आला और उदल। इनके नाम से एक आला खंड भी है जिसमें इनके 52 युद्धों का वर्णन है। कहते हैं, ऐसा बताया जाता है कि उस आला खंड से ही यूरोपियन सरकार जो है, वहाँ के जो सेनापति हैं, वहाँ की जो सरकार है, उसे पढ़कर ही अपने अंदर जोश भरती थी। आला खंड इतना, उसमें ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है इनके बारे में, ये पराक्रमी ही इतने थे भाई। कहते हैं कि इनका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से भी हुआ था, जिसमें इनके छोटे भाई उदल की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस युद्ध में इन्हें विजय प्राप्त हुई थी। इनके गुरु थे गोरखनाथ, उन्होंने इन्हें पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मना कर दिया था और उस समय इन्होंने संन्यास ले लिया था। और आज भी उदल को अमर माना जाता है, उनकी माँ ने उन्हें वरदान दिया हुआ था। बहुत पराक्रमी राजा थे। तो भाई, कल आला और उदल की जयंती है, यानी 25 मई 1540। तो सारे भाई, जिस पे जिस भी प्रकार से सोशल मीडिया पे भाई कल ट्रेंड करना है, ट्रेंडिंग में चलना है आला और उदल, जो भी सोशल मीडिया, ट्विटर यूज करता हो, इंस्टाग्राम, अदरवाइज कुछ भी, लेकिन ट्विटर पे ज्यादातर हैशटैग आला उदल के नाम से ट्रेंड चलाना है सारे भाइयों को। राजपूत योद्धा है भाई ये, और इनके बारे में भी इतिहास चोरी ने अपना बनाते हैं। ये जो थे चंद्रवंशी राजा थे, इनका जो वंश था वनाफर वंश था, जो कि एक क्षत्रिय समाज में आता है चंद्रवंशी के। तो कल भाई सारे भाइयों को इनकी जयंती मनानी है, ठीक है, और ट्रेंड चलाना है ट्विटर पे। इनका वही था कि बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो ही मर जाए और तीजा खोप खाए मर जाए। सबने सुनी होगी ये। तो भाई कल ट्रेंड चलाना है और दो दो दीपक का पालन करना है इसी तरह, ठीक है भाई। जय श्री राम, जय राजपूताना।